केंद्र सरकार ने पिछले 8 महीनों में छठे रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू से लेकर ममता बनर्जी तक पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रोजगार में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर भी हमला किया और विपक्षी पार्टियों के राज्यों में नौकरी के लिए रेड कार्ड तय होने के आरोप लगाए। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के आरोपों पर विपक्ष मोदी सरकार पर चौतरफा हमला कर रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर किसान आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर सरकार जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठ बता रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसे कभी भी भारतीय कानून की परवाह नहीं रही। जैक डॉर्सी ने सरकार पर किसान आंदोलन के दौरान कंपनी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में ट्रक की सवारी की और वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक का 190 किलोमीटर का सफर तय किया। ट्रक की सवारी का वीडियो खुद राहुल गांधी ने शेयर किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर तजिंद्र सिंह के साथ राजनीति से लेकर महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सफर के दौरान राहुल ने सिद्धू मूसेवाला का गाना भी सुना। ट्रक ड्राइवर ने राहुल से कहा कि मूसेवाला कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसे इंसाफ नहीं मिला। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले ही हिंसा की 12 घटनाएं हो चुकी है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग उन सभी जिलों में सेंट्रल फोर्सेस लगाए जो संवेदनशील घोषित किए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इस बीच दक्षिण 24 परगना से एक बार फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने निकले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में आग को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के आरोप लगा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूछा कि आग लगी या लगाई गई। विपक्ष के हमले के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू मीटिंग ली और जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट 3 दिनों में सामने आएगी। हरियाणा में सूरजमुखी पर एमएसपी को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सोमवार से जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। किसानों ने हाईवे पर ही रात भी गुजारी। आज प्रशासन ने किसानों के साथ बैठक की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।